पंडित नाम है मेरा, और जैसा कि हमने आपके आपसे वादा किया था कि हम इस बार अफीम की फसल को लेकर कुछ रोचक जानकारी लेकर आएंगे, तो अभी हम इस वक्त हाजिर हैं मेवाड़ के एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर बड़ी मात्रा में अफीम की फसल होती हैं, और यहां के किसान हैं वो सालों से इस अफीम की फसल उगाते आ रहे हैं। तो हम आइए इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अफीम की फसल की शुरुआत कहाँ से होती है, किस तरह से इनको पशु पक्षी परेशान इनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और किस तरह से ये जो पूरा जो खेती को लेकर ये पूरा प्रोसेस है वो बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि हमारा मकसद अफीम, आप सुनते ही यह ना सोचें कि हम किसी नशे को बढ़ावा दे रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। हमारा मंतव्य इतना है कि जो किसानों की पीड़ा है, जो किसानों के मन की बात है, क्योंकि अभी CPC नीति अभी वर्तमान में आई है और उसको लेकर यहाँ के किसान हैं बड़े चिंतित हैं। CPC नीति क्या है, किस तरह से उन जो किसान हैं इस नीति को लेकर असंतोष जता रहे हैं। हम यहाँ के जो किसान परिवार के हमारे मित्र हैं जिनके बुलावे पर हम यहाँ आए, उनसे हम बात करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो खेती हैं कितनी जोखिम भरी खेती हैं। तो अभी हमारे साथ में राजेश जी हैं पुष्करना, और राजेश जी सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा यहाँ आए, और सबसे पहले तो आपने हमें बुलाया उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार जी। धन्यवाद, धन्यवाद सर। ये हम ये जानना चाहते हैं कि आज जैसे यहाँ पे ये पूरा पूजन का जो प्रोसेस है वो हुआ है, आज हुआ है या पहले? जब से चिराई शुरू करते हैं सर जी, तो तब से ये अपने कालिका माता की स्थापना करते हैं यहाँ पे खेत पे। अच्छा, ये इसका क्या मान्यता रहती है, माता जी की पूजा करने के पीछे क्या लॉजिक है सर? ये पूरा माता जी को साक्षी मानकर ही इसमें पूरा हम किसान काम करते हैं। अच्छा, उसमें जब चिराई शुरू करते हैं या लुवाई शुरू करते हैं तो इनको हम अगरबत्ती का पूजा अर्चना शुरू करके फिर धोख दे के फिर काम शुरू करते हैं अफीम में। अच्छा, हमारे मेवाड़ में ये माना जाता है कि जो अफीम है वो माँ काली का भोग है, प्रसाद है, और चूंकि यहाँ कहा तो ये जाता है कि सुनने में ये आता है कि इस अफीम के जहाँ भी खेत होते हैं आसपास सांपों की जो तादाद है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है, ऐसा भी सुनने को आया है। तो हम अभी ये जानना चाहेंगे आपसे इस पूरी खेती को लेकर, किसानी को लेकर क्या प्रोसेस रहता है, कैसे यहाँ अफीम की शुरुआत होती है। सबसे पहले तो हम ये जो आपके अभी जो दो प्रोसेस में इसकी अभी चल रही है, लुराई और चिराई और लुराई लुवाई अच्छा, और चिराई चिराई दिन में चिराई होती है, दिन में सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक इस फसल में चिराई होती है। अच्छा, और उसी के अगले दिन सुबह 6:30 बजे से 8-9 बजे तक समथिंग इसकी लुवाई होती है सर। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि दिन दिन में इस पे चीरे लगाए जाते हैं जी जी, और सुबह अर्ली मॉर्निंग इसकी लुवाई शुरू करते हैं। लुवाई का मतलब है उसको दूध को इकट्ठा करना, इकट्ठा करते हैं। तो अभी हम लाइव आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इस पर जो है वो चीरे का काम होता है, और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, अभी हम थोड़ी देर पहले आए थे यहाँ, सारे आपके यंत्र जो काम उपयोग में लिए जाते हैं वो हमने देखे, तो उसके बारे में आप क्या कहा जाता है और क्या उसका उपयोग है, सबसे पहले तो आप ये बताएं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका जो परिवार है ये कितने सालों से खेती करने का काम कर रहे हैं? खेती हमें जब से लाइसेंस मिला है सरकार से तब से हम इसकी खेती कर रहे हैं। अच्छा जी, कितने साल हो गए? लगभग हो गए 15-16 साल। 15-16 साल हो गए हैं, और ये जो अभी जैसे ये दूध अभी इस पर चीरा लगा हुआ है जी जी सर जी, है ना, ये जो चीरा आप, हाँ चीरा लगा हुआ है इस पर, चीरा लग रहा है तो इसी से दूध आएगा? हाँ, चीरा लगाने के बाद दूध आएगा। अच्छा, इसका दूध ले लिया गया है। अच्छा, अभी आगे चलते हैं उधर। कितनी देर, कितने इसका इसकी जो कितने अंतराल के बाद में इससे दूध का रिसाव होना? दूध का रिसाव जैसे जैसे गर्मी पड़ती है वैसे वैसे इसमें से दूध बाहर निकलता है। अच्छा, गर्मी से आता है? अच्छा, इसकी जो जो शुरुआत होती है, इसकी जो खेती की अमूमन जो शुरुआत होती है वो शुरुआत
अक्टूबर नवंबर के आसपास होती है। हाँ, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुवाई होती है सर। अच्छा, एक और राजेश जी, मेरे मन में एक सवाल आता है। अभी हमारे साथ में बहुत सारी हमारी उदयपुर अपडेट्स की टीम है, हमारे साथ में ओम जी हैं और ओम जी के साथ में डबल ओम जी हैं। तो डबल ओम जी हमारे पूरे ओम जी भी कुछ इनके सवालात हैं वो इन पूछेंगे और कुछ मेरे सवालात हैं। मैं सबसे पहले वीडियो करने का मेरा मकसद ये है कि मेवाड़ में हम रहते हुए हम इस जो जोखिम भरी फसल है इसके बारे में अनभिज्ञ थे, वास्तव में सच में। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जोखिम भरा एक खेती का ये जो खेती है किस तरह से इसको इसकी पूरी प्रोसेस होती है और हम इनको लाइव देखना चाहते थे तो हम इसलिए आए। एक सवाल ये है कि इस फसल को जोखिम वाली फसल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर इसमें लोग तस्कर की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं सर। अच्छा, इसीलिए इसमें जोखिम भरा रहता है पूरी खेती इसमें सर। अच्छा, यहाँ मतलब रात को किसी की चोरी करने का, इसका चोरी करने का इसका भय बना रहता है सर। अच्छा, तो आपका जो इस वजह से आप अभी आप हमने देखा था कि पूरे परिवार के साथ में आप यहीं, कितने लोग अभी इस खेत में आप लगे रहते हैं? इसमें लगभग 10 से 15 लोगों की जरूरत पड़ती है सर। 24 घंटे नहीं, उस काम में, काम में पढ़ना। 24 घंटे कितने लोग सक्रिय रहते हैं? जैसे आपके परिवार में भी 5-6 लोग यहाँ इसकी रखवाली करने हैं, यहाँ की 3-4 बंदे यहाँ पे रखवाली करने के लिए एवरी टाइम। हाँ, ओम जी के आपके कुछ सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बाद में पूरी प्रोसेस आगे बताऊंगा। तो एक हम चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर सभी जगह एक चीज़ देखने में आती है कि मार्फिन जी, ये मार्फिन क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है, मार्फिन क्या होती है, इसके बारे में पूरी एक बार जानकारी चाहिए हमें। मार्फिन सर जो अपन सरकार को जो इसमें दूध जमा करवाते हैं उसी में से सरकार निर्धारित करती है कि किस किसान के कितनी मार्फिन बैठती है। तो इसे मार्फिन को एक प्रकार से जैसे दूध की फैट की मात्रा जो मापी जाती है उसी तरह से एक अफीम की भी जो मार्फिन कहते हैं फैट की तरह उसी का ही दूसरा रूप है, वही प्रोसेस है इसका। अच्छा, तो मार्फिन कम या ज़्यादा होना जी, ये क्लाइमेट मौसम के आधार पे होता है या भूमि जो उर्वरक भूमि होती है उसके आधार पे होता है? ये क्लाइमेट के ऊपर भी निर्भर करता है सर और ये भूमि के ऊपर भी निर्भर करता है। अच्छा, मार्फिन की जो तय मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, ऐसे कोई अप्रोक्स कुछ है ऐसा? इसमें कम से कम 4.2 से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कम नहीं हो चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा तो 5.7 तक इसमें है। अच्छा, उसी आधार पे अगले साल जो पुनः वापस सरकार आपको जो पट्टा जारी करती है उसी के आधार पे पट्टे जारी करती है, तो मार्फिन के आधार पर ही जारी करती है। अगर कोई मौसम खराब हुआ या ऐसा कोई ओलावृष्टि हो गई, ऐसी कोई चीज़ हुई और मार्फिन कम होगी तो उसका हर्जाना किसान को भुगतना पड़ता है फिर? उसमें सर ऐसा होता है कि अगर जो किसी फसल किसान की फसल खराब है जैसे कि तो उसमें वो चिराई विभाग मना करके वो लेटर लिख के मना करवा सकता है उसमें कि हम इस बार फसल खराब हो गई है इसमें हम इस बार चिराई नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये सरकार को पहले चिराई नहीं करने पर किसानों को भी नुकसान होता है? हाँ, क्यों अगली बार उनके जो पट्टे निरस्त होने का जो खतरा है तीन बार कंटिन्यू? हाँ, तो है। ये क्या है प्रोसेस? वैसे इसी में ऐसा होता है कि 3 साल में एक बार चिराई करना पड़ता है सर। अच्छा जी, जरूरी है ये। दो बार लगातार आप जो है चिराई चाहे तो नहीं करा सकते। हाँ, आपके खुद की रिस्क पे। हाँ, एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपको दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि ये जोखिम भरा जो खेती है वो इसलिए भी जोखिम भरा है क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से न्यूनतम मात्रा तय की हुई होती है और उस न्यूनतम मात्रा को के अनुसार ही हम किसानों को जो अफीम है वो नारकोटिक्स विभाग तक पहुँचानी होती है और अगर उसमें कमी होती है तो क्या होता है और ज़्यादा होती तो फिर कैसे उसकी वो अफीम कहाँ जाती है इसके बारे में थोड़ी। जो कमी होती है तो एक किसान दूसरे किसान से एडजस्ट करता है। अच्छा, जिसके ज़्यादा हुई है वो? हाँ। अच्छा, वो फिर पैसा खुद का होता है? हाँ। अच्छा, खुद ही खरीद कर उसमें एडजस्ट करना पड़ता है? हाँ, हाँ। अच्छा, ऐसा होता है इसमें। सबसे पहले हम अभी बताएंगे कि जो चीरा लगवाने की जो प्रोसेस हम किस तरह से यहाँ चल रही है अभी हम और जोड़ेंगे क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आते ये हैं कि इसकी जो कीमत है उसको लेकर हम बताएंगे। अभी आप लाइव देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ जो हम महिला हैं वो चीरा लगाने का काम कर। सर, इस चीरा लगाने की क्या प्रोसेस रहती है थोड़ा सा उसको मैं जानना चाहें डिटेल। ये अभी क्या हो रहा है,
ये जो ये लकड़ी का बना होता है, बांस की लकड़ी का, इसमें ब्लेड होती है। अच्छा। जो इसमें ब्लेड लगा रखी है इसमें, इसको नाणा बोलते हैं। नाणा अस्थानी भाषा में इसको नाणा बोलते हैं, जो जिसे इसको चिरा लगाते हैं हम। ये विशेष प्रकार का एक यंत्र होता है। ये हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि जो जिस से चीरा लगता है उस पर एक ये ब्लेड लगी हुई होती है और ये पूरा इस तरह का बना हुआ होता है। इसको नाणा बोलते हैं। नाणा। हाँ। इसको चीरा लगा के छोड़ दिया जाता है। हाँ, बस। अच्छा, 24 घंटे, कितना घंटा फिक्स है? सुबह वापिस सुबह 6:30 बजे समथिंग इसका वापिस दूध इकट्ठा करते हैं। अच्छा, ये अभी आप देख रहे हैं, कोई ऐसा आप डोड़ा बताएंगे जिस पर दूध आ चुका है? हाँ, आप इस तरह ये देखें, अभी ये आप इसमें ये देखें कि ये दूध शुरू हो, पूरी रात भर यहाँ पूरा इकट्ठा हो जाए। अच्छा, एक डोड़े पर कितनी बार चीरे लगाया जाता है, ये भी कोई तय है या फिक्स? इसमें 5 से 6 बार लग जाता है समथिंग। 6 बार इसकी अफीम ले सकते हैं अगर पौधे की सही खुराक रही तो, अगर दूध देता है पौधा तो 5-6 बार लग जाता है। अच्छा, एक ये हमने देखा था, ऐसा लग रहा है जैसे महाकाली का जो फरसा है उसी स्टाइल में, इसका क्या? इसका नाम है चरपला। अच्छा, इसको स्थानीय भाषा में चरपला बोलते हैं और इससे दूध को इकट्ठा करते हैं सुबह पूरा, पूरी इस पर आ जाती है, इस पर दूध आ जाता है एक तरह से। हाँ, एक ट्रे इसको बोल दूध इकट्ठा करते हैं इस पर। इस थोड़ा सा आप लाइव हमें प्रोसेस समझाएं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 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 जो चीरा लगाते हैं उसकी टाइमिंग क्या रहती है दिन में? टाइमिंग दिन में रहता है ना इसका, सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे के बीच इसमें चीरा लगाने का काम। अच्छा, सुबह से 11 बजे से लेकर शाम को 4 से 5 बजे तक। हाँ। और फिर वापस ये पूरी रात में ये जो दूध निकलता है ये एक प्रकार से अफीम का रूप ले लेता है? नहीं, अफीम का रूप नहीं लेता है, इसको वापस सुखाना पड़ता है। सुखाना पड़ता है, सुबह इसको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, फिर वापस इसको, तो ये पूरी रात भर ये दूध बाहर ही रहता है। ठीक है, उसके बाद में इससे जो आपके हाथ में क्या नाम है, सरफला, इस सरफले से वापस इसको रिटर्न इस पे लिया जाता है, फिर इसको सुखाना पड़ता है। तो जब चीरा लगाते हैं तब चीरा लगाने की जो विधि है, जो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, जो चीरा लगाने की वो विधि है, यानी कि खेत में उस तरफ सभी जो महिला आपके जो परिवार के सदस्य वो वहाँ खड़े फिर उल्टे आएंगे, जैसे कि चीरा लगा रहे हैं तो उल्टे चलेंगे सर? अच्छा, चीरा नहीं, चीरा लगाते लगाते इस फसल में चीरा लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे आदमी खड़ा रहेगा, ठीक है, और वो यहाँ से चीरा लगाते लगाते पूरा रिवर्स में जाएगा। रिवर्स में जाएगा, वही कहना चाह रहा हूँ, या तो उधर से आना या इधर से जाना। अगर सुबह वापस इस दूध को इकट्ठा करना है तो वापस आगे की तरफ बढ़ना होगा, वहाँ से शुरुआत करेंगे, वहाँ से शुरुआत करेंगे जो यहाँ तक लास्ट है। दूध वापस कपड़ों के नहीं ऐसा लगे, हाँ लगे नहीं लगे, जिससे कोई नुकसान ना हो। नुकसान, अच्छा, दूध लगने के बाद जो बूंदे जो ये जो बूंदे एकदम थोड़ा वीडियो जो बूंदे जो नीचे आ रही है एकदम ये बूंद जो आ रही है ये वापिस इन पत्तों पे आ जाती है? हाँ, ये पत्तों पे गिर जाती है तो इसको लेना पड़ता है। तो रिस्क इसमें इतना है कि पत्ते से गिरी हुई बूंद को भी संभाल के लेना पड़ता है और उनको इकट्ठा करना पड़ता है। हाँ, बूंद को वापिस ये पत्तों पे गिरती है, यहाँ से भी इनको सुबह में जब 6 बजे वापिस इनकी लुवाई चलती है, जो लुवाई बोलते हैं, तो वहाँ पत्तों पे भी ध्यान रखना पड़ता है और वो भी लेना पड़ता है। मतलब कह सकते हैं कि कितनी ध्यान रखने लायक खेती है, एक बूंद बूंद की कीमत है। बिल्कुल, बूंद बूंद बच्चों की तरह जो संभालना पड़ता है, पालन करते हैं अपन, इसी तरह इसमें से जब बुवाई करते हैं और तब से लास्ट एंड तक होता है तब से इसका ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, आपने सही, राजेश जी सही बताया कि एक बच्चे की तरह जो किस तरह से बच्चे को पाला जाता है, किस तरह से उनको उनकी रखवाली की जाती है, उसी तरह से। अच्छा, ये अभी इस तरह से ऊपर ये लगा रखे हैं जी। और इसकी क्या, इसके किस वजह से लगाते हैं ये ऊपर जाली लगा रखी है? तोते इसको फसल को नुकसान नहीं पहुंचा इसलिए। अच्छा। क्योंकि अधिकतर इसमें तोते आ जाके नुकसान पहुंचाते, इसमें सबसे ज़्यादा रसीले तोते ही हैं, तोते ऐसे, इसीलिए तोते से बचाव के लिए ऊपर ये पूरा जाली का लगा रखा है इसमें। बिल्कुल, आपको एक और छोटी सी जानकारी से जोड़ेंगे हम आपको, उस तरफ एक फूल है वाइट कलर का, उस फूल के अंदर से डोडा फूटता है, ऐसा ही है राजेश जी? ये आप इस तरफ से आप देखेंगे कि एक डोडा किस तरह से अवतार लेता है, किस तरह से वो बाहर निकलता है उसकी, ये आप देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। ये फूल है और इसमें से डोडा बन रहा है ये। अच्छा, ये सूख के नीचे गिर जाएगा, पत्ते अपने आप गिर जाएंगे इसमें। अच्छा, से अच्छा। ये डोडे का रूप लेगा धीरे धीरे आप। अच्छा,
एक और बचपन में हमने कई बार जो डोडे के दाने बड़े स्वादिष्ट होते हैं जिसे खसखस कहा जाता है, तो उसका उपयोग किसान किसके लिए करते हैं, कैसे उसका उसको क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं और बेचते हैं तो क्या भाव बिकता है उसको? मार्केट में बेचते हैं लगभग क्विंटल का 1,00,000 रुपये से 90,000 से लाख तक बिकता है। क्विंटल का 1,00,000 रुपये? हाँ। अच्छा, एक जो शब्द हम बार बार सुनते हैं किसान अफीम की खेती में कि भाई आरी के तौर पर पट्टे मिलते हैं, तो ये आरी का क्या लफड़ा है? आरी का हम समझना चाहते हैं कि किस तरह से आरी का विभाजन होता है, उस तरह से जो किसान को कई बार ऐसा होता है कि 10 आरी पिछली बार 10 आरी मिला था तो इस बार 12 आरी मिला है, तो ये घटने बढ़ने का किस आधार पर होता है और आरी होती क्या है? ये सर ये मार्फिन के आधार पर होता है। सरकार अपन जो अफीम जमा करवाते हैं उसको मशीन में लेबोरेटरी में पूरा प्रोसेस होता है उसका, उसमें जो मार्फिन निकलती है उसी के आधार पे सरकार वापस पट्टे देती है अगले साल के लिए। मार्फिन बढ़ने पर? हाँ। अच्छा, ऐसा अगर इनका कहना है कि मार्फिन जो अफीम के अंदर जो मात्रा होती है मार्फिन की, उसके आधार पर सरकार हैं पट्टे मिलते हैं और उसी आधार पर अगर आपके मार्फिन की मात्रा उसमें अच्छी है तो बढ़ जाता है, और अगर उसमें ख़राब हैं तो उसमें घट जाएगा। एक और सबसे जो मुख्य प्रश्न है वो पूछ के हम ये वीडियो का एंड करेंगे, और आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप मुझे हमें नीचे कमेंट्स करके बताएं, हम आपके सवालों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। एक अभी जो हाल ही में एक नीति जो सरकार की वो काफ़ी चर्चा में, CPS नीति, CPS मेथड या CPS प्रणाली जी। तीनों के नाम से ये काफ़ी चर्चा में है और उसको लेकर किसान जो हैं बड़े असंतोष जाहिर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस तरह की इसके आधार पर ये मेथड अपना यहाँ हमारे देश में लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की जो नीति प्रणाली अपनाई जा रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ CPS नीति या CPS मेथड होता क्या है और उससे किसान नाराज़ क्यों? CPS पद्धति जहाँ तक हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, यहाँ पे लागू भी नहीं है। फिर इसके अंदर ये होता है कि जहाँ तक मुझे जानकारी है तो पूरी फसल पक के तैयार हो जाती है, फिर वो पूरी फसल सरकार को सुपर्द करना पड़ता है। यूँ कि अभी आप चीरा लगा रहे हैं, लुवाई कर रहे हैं, वो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है? प्रोसेस नहीं, यूँ कि यूँ पूरी किस सरकार को दे दी जाएगी? हाँ, दे दी जाएगी। अच्छा, ऐसा प्रोसेस सुनने में आ रहा है अभी। ये अभी ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ये पद्धति चल रही है अभी। तो ये हमने आपको दिखाया, पूरी प्रोसेस दिखाई कि किस तरह से इसकी खेती होती है, किस तरह से यहाँ आखिरी स्टेज, अभी जो हम आखिरी स्टेज पर हैं जहाँ पर अफीम चिराई और लुवाई का काम यहाँ किया जा रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे किसान हैं जो हर दिन कड़ी मेहनत करके इसकी बूंद बूंद को इकट्ठा करने का बड़ा जोखिम भरा काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ये ना कहें कि आपको ये वीडियो नहीं बनाना चाहिए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद नशे को प्रमोट करना या नशे को आगे लाना ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये है कि प्रोसेस को, क्योंकि हमने किसानों को लेकर कई सारी वीडियो पहले भी बनाई, आप जो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा ये भी था कि अभी जो ये काम चल रहा है किसानों का वो आपको दिखाएं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हर बार की तरह मैं आपसे फिर कहूँगा कि इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आपके क्षेत्र में भी या आपके आसपास भी कोई ऐसी रोचक जानकारी है जो लोगों तक पहुँचाई जा सकती हैं और बड़े स्तर पर लोग देखें तो आपको बड़ी खुशी होगी। तो प्लीज़ दिए हुए नंबर पर ज़रूर हमें संपर्क करें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय मेवा।